वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे एमसीसीबी और एमसीबी में क्या अंतर है, उसके बाद फिर इसी वीडियो में देखेंगे ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जो या तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आईटीआई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में लगातार बने रहें जिससे कि आपको फुल नॉलेज मिल पाएगा, बीच में वीडियो को स्किप करके ना देखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो फुल देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको फुली नॉलेज मिले। दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एमसीबी और एमसीसीबी में क्या अंतर है। एमसीबी, इट स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी इसको बोलते हैं, इट स्टैंड्स फॉर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसको एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, रेटेड करंट नॉट मोर देन 125 एम्पियर। यानी एमसीबी में जो होता है 125 एम्पियर से ज़्यादा रेटेड करंट वाले एमसीबी नहीं आती है। एमसीसीबी रेटेड करंट अप टू 1600 एम्पियर। यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर में जो रेटेड करंट होता है वो 1600 एम्पियर तक का आता है। ठीक है, 63 एम्पियर से 1600 एम्पियर तक आता है। एमसीबी, इट्स इंटरप्टिंग करंट रेटिंग इज अंडर 10 किलो एम्पियर। एमसीसीबी, देयर इंटरप्टिंग करंट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 10 के टू 85 के। यानी एमसीबी का जो इंटरप्टिंग करंट का जो रेटिंग आता है वो 10 के होता है। ठीक है, जिसको ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं, और एमसीसीबी का आता है आपका 10 के से 85 के तक। एमसीबी, according to their power capacities, MCB is mainly used for low breaking capacity requirement, mainly domestic. MCB को जो है mainly domestic के लिए यूज किया था, यानी लो ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए यूज किया था। दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, दो पोल की, फोर पोल की, इस तरह की जो है MCB आती है, थ्री पोल की भी आती है, टू पोल की भी आती है, फोर पोल की भी आती है। यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है MCB को यूज करते हैं। तो एमसीबी मेनली लो ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है। जनरली आप देखते हैं हम लोग जो है डोमेस्टिक में यूज करते हैं एमसीबी को, तो बी सीरीज के एमसीबी को डोमेस्टिक में यूज किया जाता है और सी सीरीज की एमसीबी को जो है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब देखते हैं एमसीसीबी। एमसीसीबी इज मेनली यूज फॉर बोथ लो एंड हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, मेनली इंडस्ट्रियल। यानी एमसीसीबी का जो यूज होता है मेनली इंडस्ट्रियल में, कहीं कि हम लोग डोमेस्टिक भी यूज करते हैं। सपोज़ आपका हाई एम्पियर है, अगर 125 एम्पियर का फुल लोड है और 125 एम्पियर आपके डोमेस्टिक में किसी मकान का फुल लोड 125 एम्पियर है, तो हम एमसीसीबी लगाते हैं वहाँ पे, या हम आपका ये भी बस बार भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, बस बार भी लगा सकते हैं 125 एम्पियर का, बट हम लोग प्रीफर करते हैं एमसीसीबी ही लगाना। ठीक है ना, तो एमसीसीबी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट्स ट्रिप characteristics are normally not adjustable since they basically cater to low circuits। मतलब ट्रिप characteristic इसमें क्या होता है एमसीबी में, कि हम लोग adjustable नहीं होता है। मान लीजिए 63 एम्पियर का एमसीबी है, तो हम लोग इसको 60 पे नहीं सेट कर सकते हैं, इसको 50 पे नहीं सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 63 से जैसे करेंट हाई जाएगा 63 एम्पियर से ऊपर, तभी जाके एमसीबी जो है ट्रिप कर जाएगा, बट एमसीसीबी के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम एमसीसीबी के केस में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, कोई भी एडजस्टेबल नहीं होता है ना। इसमें अगर 63 एम्पियर का एमसीबी है तो 63 एम्पियर का ही ऑलरेडी सेट होता है, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के कंडीशन में 63 एम्पियर के बाद ही जो है हम लोग जो है यूज किया सकता है इसको। ठीक है, एमसीसीबी, इट्स ट्रिप करंट में बी फिक्स्ड एज वेल एज एडजस्टेबल फॉर ओवरलोडिंग मैग्नेटिक सेटिंग्स। तो एमसीसीबी में क्या होता है कि सपोज आपका 100 एम्पियर का एमसीसीबी है, ठीक है,
अगर इसमें मोटर अगर 10 HP का लगा हुआ तो हम 15 एम्पियर भी जो है इसमें सेट कर सकते हैं, यानी इसमें जो है हम लोग एडजस्ट किया आ सकता है, ठीक है ना, एम्पियर को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम RCCB और ELCCB में डिफरेंस। तो RCCB रेफर्स टू स्टैंड फॉर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ELCB स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना दोस्तों, इसको बोला जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ELCB को क्या बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्तों। तो RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। RCCB इट इज़ ए न्यू नेम एंड रिफर्स टू करंट ऑपरेटेड डिवाइस। RCCB क्या है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी इसमें करंट से ऑपरेटेड होता है। ELCB रिफर्स टू वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज डिवाइस, यानी ELCB को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है, ठीक है। ELCB जो है वोल्टेज ऑपरेटेड होता है और RCCB क्या होता है, करंट ऑपरेटेड होता है, ठीक है। तो यही RCCB और ELCB में जो है डिफरेंस है, ठीक है। RCCB, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। RCCB इट इंश्योर्स 100% डिटेक्शन ऑफ लीकेज करंट एंड इज अवेलेबल टू सेंस द AC एज वेल एज DC लीकेज करंट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं RCCB 4 पोल 2 पोल और 3 पोल में भी आता है, ठीक है। तो हम लोग जो है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग जो है आपका RCCB का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 पोल हो, 3 पोल हो, 4 पोल है। ELCB इट इज़ नॉट प्रीफरेबल एज इट कैन ओनली डिटेक्ट करेंट दैट फ्लो बैक थ्रू द मेन अर्थवायर। यानी यह जो है यह ELCB अभी के समय में ज़्यादा प्रीफरेबल नहीं है, लोग RCCB का ही डिमांड करते हैं इसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह केवल जो मेन अर्थवायर में जो फ्लो बैक करेंट होता है बस केवल उसको ही डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ELCB के बदले लोग जो है RCCB ही यूज करना बेटर मानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं RCCB में। RCCB हैज़ नो कनेक्शन विद द अर्थवायर एंड दैट्स वाई इट कैन ट्रिप वेन बोथ करेंट फेज एंड न्यूट्रल आर डिफरेंट एंड इट विथ इट्स टेंस अप टू बोथ द करेंट आर द सेम। तो आप देख सकते हैं कि RCCB में क्या होता है कि अर्थवायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए जो होता है यह फेज और न्यूट्रल दोनों के केस में डिफरेंट है, ठीक है दोस्तों। एंड बोथ द करेंट आर द फेज और न्यूट्रल में जो भी करेंट आ रहा है वो दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, RCCB केस में। अब देखते हैं ELCB में, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप ELCB में देखा कि इसके साथ जो है जो बैक वायर है उसमें करंट आता है, ठीक है। ELCB में क्या है कि ELCB इज़ वर्किंग बेस्ड ऑन अर्थ लीकेज करंट, यानी ELCB जो बेसिकली वर्क करता है अर्थ लीकेज करंट पर। दिस डिवाइस मेजर द वोल्टेज ऑन द अर्थ कंडक्टर, इफ दिस वोल्टेज वाज नॉट जीरो दिस इंडिकेटेड ए करंट लीकेज टू द अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह का वीडियो